दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल में आज फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, एंड खासकर वो लोग जो शॉर्ट टर्म वाले थे वो अभी के टाइम पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल टूटा है। जैसा कि बताया गया था कि भाई 217 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ जो आज टूटा है। जैसा कि प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट के आसपास आपको देखने को मिली थी। देखो दोस्तों, करना क्या चाहिए एंड शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म दोनों बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रहनी चाहिए, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड जो लोग पैनिक हो रहे ना, वो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई कितना यहाँ पे लॉस हुआ एंड कितना स्टॉक आपने बाय कर रखा है, सारी चीज वहां पे आप मेरे को एक बार मेंशन जरूर करना। इसी के साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी के टाइम देखो वोलेटिलिटी दिखेगी, शॉर्ट टर्म बेसिस स्टॉक वोलेटिलिटी दिखेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कह रखा कि भाई रिटेलर्स को यहाँ पे निकाला जाएगा, रिटेलर्स को टोटली देखो। अब आप बोलेंगे कि भाई रिटेलर्स को निकाला जा रहा है, बाई कौन कर रहा है, अगर कोई बाई कर रहा तो तेजी क्यों नहीं आ रही, ये भी चीज आप समझ लो। आज अगर आप देखेंगे 1,71,00,000 की यहाँ पे वॉल्यूम आई, मतलब देखो माल बेचा जा रहा है, रेगुलर माल यहाँ पे बिकवाली भी आ रही है, बिकवाली के साथ साथ अगर आप देखोगे तो खरीदारी भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। आज का जो डाटा है ना दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ डाटा है, ऑलराउंड 84% की डिलीवरी आई है। मतलब देखो, अगर जो डिलीवरी है ना धीरे धीरे कभी भी देखो तेजी आती है ना, उससे फिर डिलीवरी इंक्रीज होती है। आज डिलीवरी आई है 84% की इस रेंज के अंदर। मतलब क्या है कि अब की बार ये 200 के लेवल तक यहाँ पे नहीं जाएगा, उससे पहले रिवर्सल ये कर देगा। क्यों कर देगा वो चीज समझो, डिलीवरी संकेत दे रही है कि भाई अब जितना माल खरीदना था उसका आधा से ज्यादा माल तो खरीद लिया है, एंड जब तक ये वॉलेटिलिटी दिखाएगा 207 208 210 के आसपास जाएगा तब तक खरीद लिया जाएगा, एंड उसके बाद इसको रॉकेट बनाया जा सकता है। जैसा कि आप देखोगे 84% की डिलीवरी आना कोई कम बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी तेजी दिखी है। इसी के साथ अगर आज की क्वांटिटी देखोगे 1,28,00,000 शेयरों की यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिली इस रेंज के अंदर, एंड आप मल्टीपल कर लो 1,28,00,000 एंड मल्टीपल किस पर ट्राई खान के गुणा कर लो कि 215 पे आज इसको कर लो मल्टीपल, यहाँ पे कितने करोड़ आते हैं, तो आप समझ सकते हैं उतने करोड़ के शेयर आज यहाँ पे बाई किए गए। एंड ये कोई मामूली इन्वेस्टर नहीं कर सकता है, ये बड़े फंड का ही कमाल है। ओनली फॉर देखो दोस्तों, मैं डाटा में बिलीव करता हूँ एंड डाटा यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करता है, डाटा अभी के टाइम पॉजिटिव है। अगर आप जल्दबाजी करोगे यहाँ पे देखो, अगर डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी 20 एंड 25 के आसपास दिखती तो मैं खुद बोल देता कि भाई मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, अभी के टाइम स्ट्रेंथ नहीं है, आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हो, बट मोमेंटम बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से ये बाउंस तो करेगा। ओनली फॉर रिटेलर्स के साथ ये गेम खेला जा रहा है, जल्दबाजी ना करें। चार्ट पैटर्न में भी अगर देखोगे तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिखी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देखोगे अभी के टाइम आपको जो जियो फाइनेंशियल उसमें तेजी दिखी है, एंड इसी के साथ दोस्तों तेजी क्या देखिए दोस्तों, करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, ऑलराउंड स्टॉक गिरा है दोस्तों ये 1.5% के आसपास। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ चार्ट पैटर्न क्या बोल रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे RSI, मैंने पहले भी कहा था कि भाई 50 का लेवल है ना RSI का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। अगर स्टॉक क्रॉस कर लेता है डेफिनेटली फिर से मोमेंटम यहाँ पे बनेगा, अगर नहीं करता है तो वॉलिटिलिटी यहाँ पे बनेगी। एंड आप देखेंगे जो सपोर्ट मैंने आपको दिया था यहाँ पे, वो सपोर्ट आज टूटा है, जो कि यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए 215 रुपए के आसपास का सपोर्ट था वो टूटा है। अब इसके बाद देखो दोस्तों सबसे बड़ी चीज की भाई सपोर्ट कौन सा बनेगा, तो इजिली दो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहे थे, एक तो ये वाला हो गया उसको तोड़ दिया स्टॉक ने, अब दूसरा इसके इसके बाद जो सपोर्ट है वो वापस से 207 रुपए का अपना देखने को मिल रहा है, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। एंड अभी के टाइम दोस्तों चार्ट को आप समझो भाई, देखो जो गिरावट होती है ना, गिरावट दोस्तों वो ऐसे गिरावट नहीं होती, ऐसे करेक्शन नहीं आता है, गिरावट होती है जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ से स्टॉक ने करेक्शन दिखाना स्टार्ट किया एंड यहाँ आके रुका स्टॉक, ठीक है ना, बट ये रिवर्सल आया अगेन यहाँ पे करेक्शन, एंड अगर अगेन रिवर्सल ले लेता है डेफिनेटली इस बार ये सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर जाएगा एंड ब्रेकआउट भी दे देगा। तो ये चीजों को समझो, हाल ही में स्टॉक लिस्ट हुआ है तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा चार्ट क्रिएट करेगा, एंड इसके बाद रिजल्ट भी आएंगे एक दो, एंड रिजल्ट आने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसा है, एंड कैसा स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो सब दिख जाएंगे, एंड फंडामेंटल स्टॉक के जबरदस्त है। जैसा कि मैं बात कर लूँ फंडामेंटल के बारे में, तो जैसा कि यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी मैं एक बार थोड़ा समझाता हूँ। देखो दोस्तों, मेन प्रॉब्लम क्या है, तेजी नहीं आने के पीछे पी रेशो थोड़ा हाई है, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी ये पी रेशो नीचे आएगा। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए पी रेशो स्टॉक का कुछ नहीं है, बुक वैल्यू का आगे, बुक वैल्यू स्टॉक के 182 रहते हैं, तो ये रियल वैल्यू, कभी मार्केट में बुक वैल्यू का रेशो बताऊँ तो ये रहता है दोस्तों यहाँ पे 2 गुना तक आप कर सकते हो। बुक वैल्यू अगर यहाँ पे 182 की है तो आप स्टॉक को डाउन 400 रुपये तक भी इसको बाय कर सकते हो, ठीक है, ये रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखता है, मार्केट के 1,36,000 करोड़ का यहाँ पे दिख रहा है। इससे के साथ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, देखो कंपनी के ऊपर जैसा कि आप देखेंगे कंपनी कर्ज फ्री है, पहले ये चीज समझो, कंपनी डेट फ्री है, ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग अपनी 1.2 अनुपात पे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड करा तो कोई ज्यादा बुक वैल्यू नहीं है, अर्निंग इंक्लूड यहाँ पे अनदर इनकम से स्टॉक की 110 करोड़ दिखी है पिछले क्वार्टर में,
इसी के साथ दोस्तों इसी सेगमेंट की अगर कंपनियों की आप यहाँ पे देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा पी के मामले में सबसे ज्यादा पी इसका, इसलिए ये नहीं मिल रही। अब जैसे अब सबको पता है, देखो सबको पता है अभी वैल्यू ज्यादा है, बट जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल रही है एक दो क्वार्टर में, तो पी रेशियो सस्टेन हो जाएगा, उसके बाद बड़े फंड्स बगाना स्टार्ट करेंगे, चीज समझ लेना। अभी के टाइम नहीं बगा रही, क्योंकि अगर बगाएंगे तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी स्टॉक की फिर से, ठीक है। तो चीजों को समझे, पी रेशियो में आपको यहाँ पे समझ रहे, इसका पी रेशियो 5414 का पी है यहाँ पे, तो अभी होल्ड करिए। ये प्रॉफिटेबल वाली कंपनी, जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिला था। रिजल्ट में दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है 400 से 600 करोड़ हो गया। ओपीएम कंपनी के देखा जाए तो 89 के ओपीएम है, एंड इस क्वार्टर में देखा इनकम, अगर इनकम 218 करोड़ की रही है, इसी के साथ नेट प्रॉफिट बढ़ के हुआ 668 करोड़ का। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल है, अभी के टाइम होल्ड करिए, जल्दबाजी ना करें।